Hello everyone, welcome back in Electrical Substation Practices Lecture Series. This is our lecture number 25 on the topic Hotspot in Transformer, presented by Pradnya Korode from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. As in the previous lecture, we studied about the step potential, touch potential, mesh potential and what is earth mat and earth grid. So हमने इसमें देखा था कि step potential मतलब क्या रहता है, जैसे कि आप ये diagram से भी देख सकते हैं, अगर कोई fault आता है तो क्या होता है, वो fault suppose three phase line है, उसमें से एक phase अगर टूट के हमारे जमीन पे गिर गई तो क्या होता है, वो जहाँ पे गिरी है वो पूरा area क्या हो जाता है, energized हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे वोल्टेज ग्रेडियंट डेवलप्ड होते हैं, मतलब ऐसे सर्कुलर शेप में अलग अलग लेवल पे क्या होते हैं, अलग अलग वोल्टेज लेवल क्रिएट हो जाती है और ऐसे एनर्जाइज पार्ट पे अगर कोई इंसान गया तो वहाँ पे क्या हो सकता है, अगर 2 फुट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से वो करंट क्या होगा, वो इंसान के बॉडी से होके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या याद रखना है, जो 2 फुट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है एनर्जाइज एरिया में, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम स्टेप पोटेंशियल। तो हमने डिफाइन किया था स्टेप पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 स्टेप्स ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सबस्टेशन फ्लोर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट। जब अर्थ फॉल्ट करंट रहेगा तब वो सबस्टेशन के फ्लोर पे जो इंसान खड़ा है उसके 2 स्टेप के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे हम स्टेप पोटेंशियल। वैसे ही टच पोटेंशियल, अगर अगर कोई लाइन गिर के अगर टावर पे गई तो अगर वो टावर भी क्या हो जाएगा, एनर्जाइज होगा और कोई पर्सन ने अगर वो टावर को टच किया तो क्या होगा, जहां पे वो इंसान टच कर रहा है हाथ से और उसके फुट में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको बोलेंगे हम टच पोटेंशियल। सो हमने डिफाइन किया था टच पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्टेप एंड द टिप ऑफ रेजर टचिंग द सबस्टेशन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ अर्थ फॉर करंट इज नोन एज टच पोटेंशियल। वैसे ही हमने देखा था मेश पोटेंशियल, मेश पोटेंशियल भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच का, मेटेलिक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू द ग्रिड एंड द पोटेंशियल ऑफ द सॉइल विद इन द ग्रिड। एंड द 4th वन इज द अर्थ मैट और ग्रिड। अर्थ मैट और ग्रिड मतलब क्या होता है, ये अर्थ मैट और अर्थ ग्रिड के बीच में हम पूरा सबस्टेशन का एंटायर एरिया ही लेते हैं, सिर्फ उसमें क्या एक्सक्लूड करते हैं, जो भी टावर का फाउंडेशन हो गया या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर हो गया, इन सबको एक्सक्लूड करके जो भी एंटायर एरिया ऑफ सबस्टेशन है इसको बोलते हैं हम अर्थ मैट और अर्थ ग्रिड। सो आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम है व्हाट इज द हॉटस्पॉट इन ट्रांसफॉर्मर एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हॉटस्पॉट इन द ट्रांसफॉर्मर, लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज हॉटस्पॉट इन ट्रांसफॉर्मर एंड देन व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हॉटस्पॉट इन ट्रांसफॉर्मर। Hotspot are the highest temperature area in the transformer based on the flux leakage from the winding. क्या होता है hotspot मतलब क्या होता है, कभी क्या होता है जो हमारे transformer की जो winding रहती है उसमें temperature जो रहता है वो increase होता है और उसके वजह से उसके winding से flux leakage होता है, तो उसको बोलते हैं जो high temperature होने की वजह से वहां पे जो स्पॉट क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं हम हॉट स्पॉट्स। एंड इट कैन डिग्रेड द इंसुलेटिंग पेपर मेकिंग द ट्रांसफॉर्मर ससेप्टिबल टू द फेल्योर, और इसके वजह से जो ट्रांसफॉर्मर के इंसुलेटिंग पेपर मेकिंग जो है वो भी फेल्योर हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। सिंस द ट्रांसफॉर्मर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द इंसुलेटिंग पेपर accurately monitoring over the temperature condition is critical. और ये हॉटस्पॉट होने के वजह से जो ट्रांसफॉर्मर का जो इंसुलेटिंग पेपर डैमेज होगा
और उसके वजह से उसका मॉनिटरिंग करना क्रिटिकल हो जाएगा। द वाइंडिंग हॉटस्पॉट टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर लिमिटिंग द लोडेबिलिटी ऑफ द पावर ट्रांसफॉर्मर। और जो अगर हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाता है उसके वाइंडिंग में, तो मतलब वो क्या हो गई, उसकी जो क्षमता थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके वजह से जो पावर ट्रांसफॉर्मर है उसकी लोडेबिलिटी, मतलब लोड हैंडल करने की जो एबिलिटी है उसकी, वो भी कहीं तो भी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। सो हाईएस्ट वाइंडिंग, हायर वाइंडिंग हॉटस्पॉट टेम्परेचर कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। और जो हॉटस्पॉट टेम्परेचर होने के वजह से उसकी जो वाइंडिंग है वो भी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेट होना चालू हो जाएगी। एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल विच फैसिलिटेट्स द डिटेरियरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कॉइल। और ये हॉटस्पॉट क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, उसमें बबल्स क्रिएट होंगे, गैस बबल क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मर में ऑयल है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो है वो डिटोरिएट होना चालू हो जाएगा, वो डिटोरिएट होगा मतलब खराब होगा। तो दीज आर द सम कॉजेस ऑफ हॉटस्पॉट इन द ट्रांसफॉर्मर ऑयल। सो लेट अस समराइज अवर टुडे सेशन। इन दिस सेशन वी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द हॉटस्पॉट इन ट्रांसफॉर्मर। हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है, हमने देखा कि हॉटस्पॉट मतलब उसके वाइंडिंग में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से उसके वाइंडिंग से फ्लक्स लीकेज होता है, तो उसको बोलते हैं हम हॉट स्पॉट्स। एंड इसके वजह से जो इंसुलेटिंग पेपर मेकिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो रहता है वो फेल्योर हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली जो उसकी वाइंडिंग होती है वो फेल्योर हो जाती है। तो दीज आर द हॉटस्पॉट इन ट्रांसफॉर्मर। And also we understood that what are the causes of hotspot in transformer। जैसे कि हमने देखा हॉटस्पॉट होने के वजह से उसमें एयर बबल क्रिएट हो जाती है, जिसके वजह से उसके जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो रहता है वो भी डिटोरिएट हो जाता है। सो असाइनमेंट फॉर द टूडे सेशन, स्टेट द कॉजेस ऑफ हॉटस्पॉट इन ट्रांसफॉर्मर। पीओ सेटिस्फाइड बाय द टूडे सेशन आर पीओ 1, पीओ 2 एंड पीओ 7। Thank you for watching this video and keep learning.